हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आपको आज नंबर गाड़ी का क्लच प्लेट चेंज करके दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं क्लच प्लेट क्यों लगता है। तो भाई साहब, जो हमारे ग्राहक है वो 15-10 दिन पहले ही चाहे क्लच प्लेट चेंज करवाए थे शोरूम में, उसके बाद अभी फिर भी सेंटिंग बताए हैं, क्लच प्लेट के बारे में बता रहे हैं कि क्लच प्लेट जल्द या गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा है। तो देखिए, क्लच प्लेट खराब है, तो थोड़ा देखते हैं ग्राहक से कि कितना दिन पहले ये काम करवाए थे क्लच प्लेट। ग्राहक पहले बनवाए थे गाड़ी घरों में, पूरा क्लच प्लेट खराब हो गया। जैसा कि देख पा रहे हैं, क्लच प्लेट खुल चुका है और अब इसको हम खोलते हैं क्लच सेंटर को। ये सेंटर होता है, क्लच सेंटर ठीक है। क्लच प्लेट पूरा जल चुका है, सबका सब क्लच प्लेट कोई सही नहीं है। कैसे गाड़ी चल रहा था, कहाँ नहीं जा सकता, लगता है इसे तो ठेल के चलाने से भी नहीं चलेगा, वैसा जल चुका है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये नया क्लच प्लेट है, ओरिजिनल क्लच प्लेट है, ये पूरा ख़राब हो चुका है। तो हम लोग नया क्लच प्लेट डालेंगे और ये बताएंगे कि बताने वाले हैं कि क्लच प्लेट क्यों जला। हर बार की तरह इसका में भी कंपनी वाले ने गलती ये कर दिया कि क्लच को ज़्यादा टाइट रख दिया। क्लच प्लेट चेंज करने के बाद हल्का क्लच को लूज ही रखें, ज़्यादा टाइट नहीं रखें, क्योंकि ग्राहक लोग को नए नए रहते हैं, वो लोग थोड़ा सा क्लच ज़्यादा टाइट हल्का पकड़ के चलते हैं तो क्लच प्लेट जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान दें, बाकी बात और कोई दिक्कत नहीं है। नया क्लच प्लेट फिट हो रहा है और आप लोगों से दरखास्त है, निवेदन है, आप लोग हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को कम्प्लीट देखें बिना स्किप किए हुए। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।